अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, तमाम तलबा और तलबात के लिए इंतहाई आम खबर निकल कर सामने आ चुकी है। तमाम तलबा जो एनसीयूसी की मीटिंग में इंतहाई अहम फैसले हुए, बहुत से फैसले हुए, तमाम तलबा के लिए खुशखबरी थी रिजल्ट के मुतालिक और इसके साथ साथ छुट्टियों के मुतालिक बहुत से आम इजलास। इस इजलास जो है वो बहुत ही आम फैसले के साथ इजलास हुआ और इसमें बाकायदा तौर पर बहुत ही तमाम तलबा के लिए मज़ेदार की खुशखबरियाँ आई। आपको मैंने रिजल्ट वाली वीडियोज़ में बताई, लेकिन अब जो है तमाम तलबा के लिए बहुत बड़ी बड़ी खबरें निकल कर सामने आई हैं। जो शफकत महमूद ने अचानक तौर पर जो अगले साल के लिए इंतहाई अहम किस्म के फैसले किए हैं, बहुत बड़ी खुशखबरी हैं तमाम तलबा के लिए भी, तो अब इंतहाई मुकम्मल तफसील से बताऊंगा। लेकिन उससे पहले गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें, रेड कलर का बटन है, फ्री में सब्सक्राइब होता है, कोई चार्जेस नहीं लगते और बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की मजीद वीडियोस, तालीमी खबरें और रियल 100% ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके लिए इंतहाई अहम खबर है, तमाम तलबा हो जाएँ तैयार। अब तमाम तलबा के लिए इंतहाई बड़ी खबर, शफकत महमूद की ज़ेरे सदारत इजलास हुआ जिसमें वज़ीरे सेहत ने भी शिरकत की, एनसीयूसी के मेंबरान ने शिरकत की। बाकायदा तौर पर इंतहाई अहम किस्म का इजलास हुआ और इसमें तमाम तलबा के लिए जो एक तो सबसे बड़ा फैसला ये है कि जो अगले साल का जो सेशन है उस मुतालिक जो बड़ी बड़ी गुड न्यूज़ है, पहला ये कि अगले साल का जो सेशन है वो भी न्यू सेशन अगस्त से स्टार्ट होगा और इसके साथ साथ जो तमाम तलबा के लिए जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के 2022 में इम्तहान होंगे वो भी मई और जून के महीने में होंगे जिस तरह इसी साल हुए। तो ये शफकत महमूद की तरफ से ये कह रहा था कि जो आप तमाम तलबा के लिए जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है अब उसको कैंसिल कर दिया गया क्योंकि कोरोना के केसेज इतने ज़्यादा हैं, जिस वजह से उन्होंने इम्तहान को कैंसिल करके अगले साल जो है वो मई और जून के महीने में जो मैट्रिक और इंटरमीडिएट के इम्तहान है उनको रखा है। उसके साथ साथ वीडियो को उसके मत कीजिएगा, बड़ी खबर है तमाम तलबा के लिए। तो नाज़रीन, आपको बड़ी खबर है, उसके साथ साथ तमाम तलबा के लिए नए साल के मुताबिक भी फैसले हुए और साथ साथ नया तालीमी साल और स्मार्ट सिलेबस आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो है वो रहेगा अगले साल भी, क्योंकि इस साल भी काफ़ी तमाम तलबा का नुकसान हो चुका है।